जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, क्या आपने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। शरीर को त्यागने के साथ सभी लोगों के हृदय की गति भी शांत हो जाती है, लेकिन यह अपने आप में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में यह बहुत अटपटा लग सकता है, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इसके आगे नतमस्तक हो सकते हैं। आइए जाने कहाँ आज भी धड़क रहा है हमारे श्री कृष्ण भगवान का हृदय। कथा मिलती है पुराणों में, जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम के अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि के भय के हृदय को जला नहीं पाई, क्योंकि वो ब्रह्म का हृदय था। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए और आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि इस जल में प्रवाहित होने के बाद श्री कृष्ण ने जो हृदय था श्री कृष्ण का, उसने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट्ठे के रूप में समुद्र के तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की सपने में बताई हुई जगह पर सुबह उठकर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने लट्ठे को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण श्री विश्वकर्मा जी ने किया। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इसे नवकलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी यह रस्म निभाई जाती है उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी जी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टी, हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की बिजली गुल करने के पीछे की मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि नवकलेवर की रस्म निभाते समय पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी वे यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश कूदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं तो बहुत साफ साफ कुछ पता नहीं चलता, परंतु ऐसा उन्हें महसूस होता है जैसे उसमें हृदय धड़कता है। तो इस तरह से ये पुराणों की कथा है जिसमें ऐसा बताया गया है। तो सभी भक्तजनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि श्री कृष्ण भगवान में यदि श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, श्री कृष्ण भगवान के प्रिय भक्त हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल के बटन को दबा के और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान हर व्यक्ति की जो मेरी वीडियो देखता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा।